अस्सलाम वालेकुम, निघस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। है तो बड़ी आम सी रेसिपी, सदियों से बनती हुई आई है ये डिश, लेकिन ये कि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमा बहुत तरीक़ों से बनता है, लेकिन मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बना रही हूँ और ये हमें इतना पसंद होता था ना कि हमारा दिल चाहता था कि बस अम्मी जो है वो चिकन कोरमा ही बनाती रहें। तो खैर उन्हीं उन्हीं की रेसिपी है और उन्हीं के हाथ का टेस्ट है, सारा कुछ है, उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि जी मेरी अम्मी किस तरीके से चिकन कोरमा बनाती थी। चले आए, पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें, फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। जी, इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन है, लेग और थाई मैंने लिया है और धोकर इसे मैंने रख लिया है। और इसके अंदर जी शामिल होगा प्याज, मैंने डाले हैं इसके अंदर 4 प्याज डाले हैं दरमियाने साइज़ के और बारीक, इसको मैंने काट लिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे। और 1/2 किलो दही है मेरे पास। उसके अलावा जी 1 गिलास दूध का शामिल करेंगे। और मसालों में जो ड्राई मसाले हैं उसमें है 1 टीस्पून हल्दी, और ये 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है जायफल और जावित्री का पाउडर है, पिसा हुआ है मिक्स करके। ये हाफ हाफ टी एक एक टीस्पून है तो ये 1 टेबलस्पून बन गया है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और लहसुन और अदरक को हमने बारीक पीस लिया है। और खड़े मसालों में जी ये 3 मैंने लिए हैं जावित्री के फूल, और 4 से 5 मैंने लिए हैं छोटी इलायची, ये शामिल करेंगे। 1 गिलास जी ये दूध का हम इसमें शामिल करेंगे। और चलें जी अब शुरू करते हैं। पहले हम प्याज को रखेंगे फ्राई करने के लिए और एक तरफ हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल मैंने 1 कप भर के डाल दिया है, इसमें हम करेंगे प्याज को फ्राई करेंगे। और ये हमने पैन लिया है, इसमें हम चिकन फ्राई करते हैं और कोरमा जो है हमारा इसमें बनेगा। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है प्याज डाल देते हैं और साथ ही हम चिकन की तैयारी करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें प्याज शामिल करते हैं। और यहाँ मैंने पैन रख दिया, इसके अंदर 1/2 कप मैंने ऑयल का डाल दिया, ये गर्म होता है तो हम अपनी बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं, बस अभी फ्राई होती है। और यहाँ मैंने इलायची और बादियान के फूल डाल दिए हैं, अब बस जैसे ही ये गर्म होते हैं हम चिकन शामिल करेंगे। इलायची और बादियान के फूल गर्म हो गए हैं, अब हम चिकन इसमें शामिल कर देते हैं। चिकन को हम फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक है ये शामिल कर दिया, इसके साथ ही साथ साथ चिकन को फ्राई करते जाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज को भी देख लेते हैं, प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अब अदरक लहसुन के साथ इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। और यहाँ हमारा प्याज भी तैयार हो रहा है, दही के अंदर हम ये सारे मसाले शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करके फिर हम चिकन में शामिल करेंगे। चिकन अच्छे से हमारा फ्राई हो रहा है। ये जी चिकन देखें, चिकन का कलर चेंज हो रहा है, अदरक लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। और अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो गया है और इसके भी भूनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इधर प्याज भी रेडी हो रहा है, तकरीबन लाइट कलर चेंज हो गया है, पानी इसका ड्राई हो गया है, अब ये फ्राई पर आ जाएगा, कलर अपना चेंज कर लेगा। दही मैंने शामिल कर दिया है मसालों के साथ, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे गलने के लिए रख देंगे। चिकन और अच्छे तरीके से गल जाएगी, मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। और अभी हम इसमें इसके अंदर पेपरिका डालना भूल गए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च वो 1 टेबलस्पून शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर दिया है, अब इसे कवर कर दूँगी, पकने के लिए छोड़ देंगे इसे। बस ब्राउन हो गया है और इसे मैं पंखे में रख दूँगी, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा ये।
प्याज क्रिस्पी हो गई है और मैंने इसको एक कूंडी डंडे में डाल मतलब कूंडी में डाल दिया है और इसको डंडे की मदद से कूटूंगी। हाथ से भी हम इसे मसल सकते हैं, लेकिन अम्मी जो थी ना वो इसके अंदर ही थोड़ा सा उसको दरदरा सा कूट के फिर उसमें चिकन में शामिल करती थी। तो मैं यही चाह रही हूँ कि सेम रेसिपी को हम फॉलो करें। तो चले जी, इसको हम कूंडी डंडे से कूटते हैं। इस तरह हमने कूटनी है। चाहे तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक इसको नहीं पीसना है आपने, बारीक पीसने से ग्रेस करना है, बस थोड़ा मोटा मोटा। अरे जी ये हो गई है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और फिर दूसरा डालते हैं। इसी तरह बाकी भी कर लेंगे। क्योंकि मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिया है और उसको अच्छे से इसको प्याज डाल के इसको मैं भून रही हूँ और फिर इसके बाद हम दूध शामिल करेंगे। ये जी देखें इसके मसाला, ये इसका टेक्सचर आप देखें, ये देखें, ये बहुत मज़े का बन गया है। लेकिन अब जब हम इसमें दूध शामिल करेंगे तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। ये एक गिलास दूध है, ये मैं डाल दूँ। और हमें जितनी भी ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमने दूध का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा, अब थोड़ा सा इसके साथ ही पक जाए, अगर आपको ज़रूरत है कि जी हमने इससे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कोरमा तो होता ही बहुत थिक सा है, तो लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा इसके साथ पकेगा तो आप इसको देखें, अभी ये थोड़ा दूध के साथ अच्छे तरीके से जब मिक्स होगा और इसका फ्लेवर जो है वो, उसको हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए और अच्छे तरीके से दूध मसालों में इसमें मिक्स हो जाए। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें दूध और शामिल कर लेंगे ग्रेवी के लिए, अगर हमें नहीं चाहिए होगी तो हम इतना ही रहने देंगे। अभी हम 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। देखिए हमारा कोरमा हो गया है रेडी और इसका जो है टेक्स्चर आप देखें इसकी ग्रेवी का, ये देखें कितना ज़बरदस्त आया है, थिक थिक सा, और यकीनन फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसको मैं फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाले का शामिल करेंगे। ये गरम मसाला भी मेरा होममेड है, तो ये अम्मी का जो कोरमा है उसके अंदर हम ये गरम मसाला डाल देंगे और इसकी ये देखें आप, बस ये रेडी है और क्या खुशबूदार कोरमा बना है। एक चीज़ और रह गई है, वो मैं अभी इसमें शामिल करती हूँ। जी देखिए मेरे पास है केवड़ा एसेंस, ये मैं इसके 2 से 3 ड्रॉप्स डालूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और सही शादियों वाला कोरमे की खुशबू आती है। जी अम्मी के हाथ वाला कोरमा तो रेडी हो गया है और नान लेने के लिए गए हैं, नान जैसे ही आएंगे तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि अम्मी के हाथ का जो कोरमा है वो कैसा बनाए। अच्छा जी, तालिब साहब नहीं खाते हैं कोरमा तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, क्योंकि बहुत मजबूरी में खाते हैं, उनको शायद इतना इस तरह की थिक थिक ग्रेवी पसंद नहीं है, हमें तो भाई बहुत पसंद है। और अगर आप इसको मटन में और बीफ में बनाएं, उफ ये क्या लजीज बनता है, तो हाथ ही चूमते रह जाएं, इतना ज़बरदस्त बनता है। तो किसी दिन मटन में इंशाल्लाह ताला दावतों वाला कोरमा बनाएंगे। चलें जी, अब नान का इंतज़ार कर रहे हैं, नान जैसे ही आते हैं तो हम आपको खा के बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कोरमा तो बन गया था और हमें इतनी भूख लगी थी कि हमने खा लिया और हमने वीडियो नहीं बना सके। बहुत ही लजीज कोरमा बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी अभी अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है, हम G9 मरकज़ जा रहे हैं इस्लामाबाद में, ये कराची कंपनी में है G9 मरकज़, और कराची कंपनी को ही G9 कहते हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं राशा कई बाड़ा, राशा कई बाड़ा में बहुत ज़बरदस्त कपड़े मिलते हैं तो जी वो लेने हैं, और कुछ और विंटर की वैरायटी देखेंगे। तो जी मुझे लेना था वेलवेट, तो मैंने सुना था कि जी वहाँ पर वेलवेट बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी उसमें नीट हुई हुई है, तो इसीलिए मुझे था कि मैं, अभी शादियों का सीज़न आ रहा है और यहाँ पर सर्दियों में वेलवेट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और वेलवेट अच्छी भी लगती है क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो इसलिए वेलवेट देखने के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा और कुछ भी देखेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, तो आप भी साथ चलें, आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या वैरायटी आई है। जी G9 मार्केट आई हूँ
और यहाँ से हमने लेने हैं, देखने हैं कि विंटर की क्या वैरायटी आई है, और वेलवेट वगैरह भी देखते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पसंद करें। हम आ गए हैं वेलवेट की शॉप पर। ये देखें कितने कलर्स और कितने प्रिंट्स रखे हुए हैं, तो हम पसंद कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने निकलवाया है बॉटल ग्रीन और ये मरून। तो मुझे वैसे ये पसंद आया इसलिए कि ये बॉर्डर वाला नहीं है और इसकी लेंथ ज़रा ज़्यादा है। बॉर्डर वाले में ये होता है कि लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है स्लीव्स की वजह से, स्लीव साइड से निकलते हैं, कुछ ऐसा है। तो ये मुझे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही है और थोड़ा डिफरेंट सा है, और कलर भी दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही खूबसूरत कलर हैं। तो अब देखते हैं और भी निकलवाते हैं, तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये एक और इन्होंने निकाला है, इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी है धागे की और इसी तरह ही लाइनें बनी हुई हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है ये भी। ये देखिए ये एक डिज़ाइन इन्होंने निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाल वाला है, कई लोगों को इस तरह फ्रंट भरावा पसंद होता है, तो ये इस तरह है। ये देखें इसकी शॉल भी दिखाएं, ये शॉल इनके हाथ में, ये शॉल है। लाइट लाइट सा इसका शॉल पे काम है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी और दिखा दें। ये जी देखें, इसमें जो मैंने पहले निकाला था उसमें ये देखें, ये जिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इन्होंने ब्लैक भी निकाला है, जिंक अच्छा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है ना जिंक कलर। ऐसा करें आप डार्क ग्रीन और मैरून दोबारा से दिखा दें ताकि इधर ही पड़े। हाँ इधर ही पड़े, हाँ क्योंकि ये आपने पहले भी वो खाड़ी वाला भी एक पहना। हाँ वो बिल्कुल वो यही कलर है ना, मेरे पास है ये कलर, है तो खूबसूरत तो बहुत है। डार्क ग्रीन और या मैरून, ये दो मेरे पास नहीं है, इनमें से देख लेते हैं क्योंकि नहीं ये हटा दी, क्योंकि एक नज़र में जो चीज़ अच्छी लगे ना, ये डमी पर लगा हुआ था, मैं बहुत अच्छा लगा। ये रखा हुआ ये मैरून है, ग्रीन खोल दें ज़रा पूरा इसको, आई थिंक ग्रीन ले लो। हाँ ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ सही है। ग्रीन ज़रा रख के दिखाएंगे थोड़ा ऊपर ऐसे पकड़ के, लेंथ ज़रा इसकी मुझे लाप के बताएं कितनी है। लेंथ 50 से ऊपर है इसकी, लग रही है इसकी लग रही ज़्यादा। और इसकी शॉल भी दिखाएं, कौन सा कपड़ा लेना है, डीलर के लेना है मदीना के, और शर्ट देखना है गेंजीरा का माता। ये जी देखें ये पूरा, इसमें दो डिजाइन है, एक लाइट वेट शॉल एक फुल हेवी शॉल। अच्छा तो दिखाएं कौन सी है, बस जो अच्छी वाली है वही दिखाएं। ये दोनों सेम सेम बिल्कुल मैं भी सेम, नहीं वो कह रहे हैं ना दो दो तरह की शॉल्स हैं, जाओ करें या उसी से स्टार द लाइनिंग में जो ये वाली मैच हो रही है ना। हां ये लाइनिंग वाली दिखाएं, लाइनिंग वाली। ये सामने एक और खद्दर के कोई एम्ब्रॉयडरी होम तक ग्रीन कलर की वो भी प्यारे लग रहे हैं बहुत, ये भी देखते हैं अभी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है तो मैंने ये ले लिया। ये देखें आपको भी अच्छा लगेगा, आपको कार्ड और आपको नंबर वगैरह बताते हैं। देखिए ये ग्रीन सूट, इसमें कलर दिखा दें, ये कपड़ा कौन सा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। ये जी देखिए ये मैंने सूट लिया है और इसके साथ ये शॉल है, उसी शॉल निकाल दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट है, और ये ग्रीन आप देखें कितना हसीन है, बहुत ही प्यारे प्रिंट है। और भी इन्होंने रखे हैं यहाँ पर, इनकी लौट के लौट आइए। ये जी थ्री पीस है और ये है सब वन पीस है, और बहुत ही प्रिंट्स बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्रिंट। वो अभी हमने एक पसंद किया था वो भी दिखा देना ज़रा, वो जो लाइट लाइट कलर वाला, लाइट कलर डिजाइन लगा तो जो मैं देखूं कौन करे। हाँ ये देखें ये कितना खूबसूरत प्रिंट है, और इसके कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है सर्दी के हिसाब से, ये ब्लैक एंड वाइट। ये देखें ये ग्रीन भी बहुत अच्छा लग रहा है, सारे प्रिंट्स अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है, आप सर्दी के हिसाब से ज़बरदस्त कपड़ा है, तो वो ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है।
नीचे वाला उठाइएगा जरा, नीचे वाला करीब से दिखाएं। ये बहुत प्यारा है, ये देखें, ये जी देखें, आपको बहुत खूबसूरत चीज़ दिखा रही है। ये देखें, ये सब तुर्किश है, देखें कितना खूबसूरत है, नेट पर है लेकिन बहुत नफीस और बहुत ही खूबसूरत काम है। ये देखें, ये बाकी भी आप देखें, ये इसमें ये कलर कितना खूबसूरत है। हाँ ये भी प्यारा है। और एक वो जो पन्नी वर्क होता है ये वो लग रहा है, इसे पन्नी वर्क है ना। ये जी आपको बड़े खूबसूरत दुपट्टे दिखाती हूँ, ये देखें, ये कॉटन क्या कपड़ा है, पेपर कॉटन है। और ये देखें कितना खूबसूरत है, हम अगर सॉलिड के सूट बनाते हैं उसके साथ ये दुपट्टे आप देखें, ये तो शॉल है लेकिन ये दुपट्टे बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ बहुत ही प्यारे हैं, कितनी वैरायटी रखी हुई है। हाँ ऊपर से जैसे हम बना रहे थे टू पीस अक्सर बनते हैं ना। पंद्रह सौ का बता रहे हैं दुपट्टा, देखिए प्रिंटेड वेलवेट कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है वेलवेट लेकिन शंघाई टाइप लग रही है। यहाँ भी वेलवेट की बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये वो पेपर क्या, ये इसको क्या कहते हैं, मिरर, कौन सा शिफॉन है, प्योर शिफॉन है, थ्री पीस। अच्छा थ्री पीस है, ये प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड सादा भी है, प्रिंटेड भी। किस तरह सूट है ये बाजी ने, आप मुनासिब रेट लगा देंगे, आप पसंद करो, बाजी हमारे पुराने गाने, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे मैचिंग। हाँ जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कपड़े, देखो ये नए नए वैरायटी भाई, विंटर की तो क्या कमाल की वैरायटी आई हुई है। ये देखें आप, ये क्या है, ये शर्ट है, ये शलवार है। अच्छा बहुत बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा है, साढ़े पाँच। अच्छा ये देखें, ऑर्गेंजा का प्रिंटेड दुपट्टा है, उस पर तिल्ले का काम है सितारों का। और ये देखें सूट है, ये जी देखें लुलू सर के प्रिंट्स पड़े हुए हैं, ये जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत प्रिंट्स हैं, इसकी शर्ट्स वगैरह बहुत ही क्लासी लगती है। हाँ ये देखें, ये कलर देखें, मस्टर्ड, आप इस ऐसा तो पहन सकती है, ये तो पहन लीजिए, है ना, ये बहुत अच्छा है, वीडियो में दिखाइएगा उसको, बहुत। ये देखें करीब से दिखाते हैं, वीडियो में देख लेंगे, अगर उसको पसंद हो तो फिर देख लेंगे। और ये एक एक सूट है, ज्यादा नहीं है, ये देखिए सूट कह रहे हैं कि एक एक सूट है और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। ये वाला बेबी पिंक भी दिखा दो, कम पड़े तो मेरा भी दिल भर। हाँ ये तो बहुत ही प्यारा कलर निकाला है, ये तो आबिश की तो बहुत प्यारा लगा, ये कलर तो सबसे प्यारा है, शॉकिंग पे भी मेरा दिल आ गया। हाँ ये है क्या, ऊपर काम बना हुआ है, सितारे सीक्वेंस के काम है। अच्छा ये तो दुपट्टा, ये शॉल, ये जी देखें ये है, अगर हम ब्रांड के लेते हैं जाकर तो वो इससे भी कम काम के होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव। तो अगर हम मार्केट का सर्वे करें और देखें तो ये चीज़ें हमें बहुत ही मुनासिब कीमत में और बहुत ही खूबसूरत मिल जाती हैं। ये बच्चियों हम ना का तो दिल आ गया इन कपड़ों पर, कह रही है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ना अभी हमने शादी के इतने कपड़े बनाए तो कह रही है कि लेकिन ये कि लेना भी पड़ेगा शायद। इसके नीचे लाइनिंग लगेगी, नहीं नहीं लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसके नीचे कपड़ा बिल्कुल भी, बहुत ही मजे का कपड़ा है भाई, इतना अच्छा कपड़ा है, एक मरूनिश है और एक ब्लू भी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये शॉकिंग पिंक बहुत प्यारा, मुझे वो शॉकिंग पिंक और ये टी पिंक बहुत प्यारा लगा है, मस्टर्ड भी बहुत अच्छा है, कलर तो सारे ही प्यारे हैं, सारे प्यारे सारे, और कीमतें भी बहुत मुनासिब है। क्या बताया था आपने, 5,500 थ्री पीस का है, प्योर शर्ट है और ना इसमें लाइनिंग लगेगी, बस आप जाके सिलवाएं आराम से। तो ये देखें कितनी वैरायटी है, और कितने वेलवेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये लुलू सर के प्रिंट्स है, इसका कपड़ा ज़रा चेक करवाएं, ये क्या सिल्क होता है कि वो है, ये पूरा सूट में एक टू पीस मिलेगा, पूरा सूट भी है। ये देखें ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें ये देखो ये सर्दी में तो अब इतना नहीं चलेगा कि चलेगा, ये ज़रा थोड़ा सा फैंसी हो जाता है आप पार्टी वेयर। अच्छा दुपट्टे भी हैं साथ,
अच्छा सिल्क का दुपट्टा है भाई, और ट्राउजर वगैरह? इसी का पूरा सूट है। अच्छा सही सही, सही। ज्यादा चल रहा है। अच्छा कितने का ये? 5.5। अच्छा ये बहुत प्यारा है भाई, डिसेंट लग रहा है। ये देखें कितने ज़्यादा, ये ऑरेंज और ऑफ वाइट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और वो स्टार्ट में जो मस्टर्ड है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है भाई, कमाल। कौन सा पसंद किया है? मस्टर्ड या शॉकिंग में। अच्छा कब पहनोगी? हाँ कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, अभी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा शादियाँ आने वाली हैं, तो अब ये कि चले वैरायटी तो देख लिए ना इंशाल्लाह। ये जी देखें इसकी करीब से आपको कढ़ाई दिखाती हूँ, ये देखें, और ये टीपिंग, मुझे तो टीपिंग बहुत अच्छा, हमना को का दिल आ गया भी इन सूटों पे। पिंक शॉकिंग पिंक, हॉट पिंक है, और ये मस्टर्ड है। ले लो पिंक, ले लो टीपिंक। नहीं ले रही टीपिंग? नहीं आबिश अगर ले तो, अगर वो तो अगर अच्छा सही है, सही है। चले आप शॉकिंग पिंक खोल के दिखा देना, देख लेगी ना उससे अच्छा लगेगा तो फिर ले लेंगे। सबसे बड़ी बात इसका कपड़ा बहुत अच्छा है भाई, शलवार का कपड़ा कितना है? कपड़ा बताए ना, खत्म ये सूट धन्यवाद। ट्राउजर का कपड़ा कितना है? शर्ट का कितना देंगे? ढाई। अच्छा और ट्राउजर भी ढाई? वो कम है सलवार, शर्ट का थोड़ा ज्यादा देना। शर्ट का ज्यादा दूंगा आपको तो वो सलवार जो है वो कम है। अच्छा जी देखिए ये मस्टर्ड कलर हमने ले लिया है, उससे पिंक पसंद था लेकिन पिंक में कुछ कपड़ा कम था, तो इस वजह से फिर ये डिसाइड किया कि जी मस्टर्ड सही है, तो ये मस्टर्ड ले लिया है। दुपट्टा का तो थोड़ा ज़्यादा ही करना, फुल डाई का फुल लॉन्ग शॉल होते हैं, सवा दो का दुपट्टा होते हैं, हम डाई का शॉल लेते हैं ज़्यादा। चलिए जी ये ले लिया है मैंने सूट, और शॉप का नाम आपको बताते हैं अभी। ये जी देखिए इनका कार्ड है, ये G9 में है, बाड़ा रशा की बाड़ा, उसमें ये शॉप है। तो जी ये बच्चों ने ले लिया, हमने ले लिया, उसे पसंद आया, उसकी फ्रेंड की भाई की शादी है। उसमें यहाँ पर G9 में एक शॉप है जिनके पास बहुत ज़बरदस्त स्कार्फ होते हैं स्टॉलर, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ और शॉप का भी आपको बताते हैं। अभी ये विंटर के हिसाब से इन्होंने रखे हुए हैं, ये देखें कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत हैं, ये हम लोग यहीं से लेके जाते हैं हमेशा, और बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं यहाँ पर। सिल्क में है, शफून में है, विंटर के हिसाब से गर्म है। ये भी राशा कई बाड़े के बिल्कुल सामने इन्होंने स्टॉल लगाया है। G9 से तो जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम जा रहे हैं, हमें बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, और खाने के लिए हम एक्सप्रेस जा रहे हैं, बस अभी वहीं पहुँचने हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी इस्लामाबाद के खूबसूरत खूबसूरत रास्ते आप देखें, बस मैं तो इन पर फिदा हूँ क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आता है। आप देखें कहीं पर भी आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, इतना सुकून होता है, और इतना मौसम भी यहाँ का ठंडा होता जा रहा है, काफ़ी चेंज हो गया है मौसम, और बस बाहर निकलते हैं तो बाहर आके आपको उलझन नहीं होती है, आप इंजॉय करते हैं रास्ते को भी इंजॉय करते हैं। तो बस हम जा रहे हैं एफ10 की तरफ, एफ10 ही जा रहे हैं ना, नहीं F11 जा रहे हैं। ये हम आ गए हैं नेंडोस, जी घर में आ गई हूँ, और बहुत हम थक गए हैं, और काफ़ी इंजॉय भी किया, और शॉपिंग का तो आपको पता है कि मज़ा बहुत आता है। घर आते ही मैंने चाय पी है और अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं, और उसके बाद मैंने कहा कि आपसे अल्लाह हाफिज़ ले लें, और उम्मीद है कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।